हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल एनटीए नेट फॉर गेटअप में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2021 सब्जेक्ट इंग्लिश मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट टू लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ सवाल नंबर एक से। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, प्रीपोजिशन है आई ऑलवेज गो टू कॉलेज, खाली जगह बाईसाइकिल, यानी ब्लैंक है बाईसाइकिल। अब यहाँ ऑप्शन नंबर एक है इन, ऑप्शन नंबर टू है बाई, ऑप्शन नंबर थ्री है ऑन, ऑप्शन नंबर फोर है फ्रॉम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, बाई साइकिल। मैं हमेशा आई ऑलवेज गो टू कॉलेज बाई साइकिल हो जाएगा। चूज द करेक्ट फीमेल ऑफ द वर्ड स्टेज। स्टेज का फीमेल क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक है विच, ऑप्शन नंबर टू है हाइंड, ऑप्शन नंबर थ्री है हाइफर, ऑप्शन नंबर टू है डू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, हाइंड। ऑप्शन नंबर थ्री है चूज द करेक्ट फीमेल ऑफ द वर्ड ड्रोन। ड्रोन का फीमेल क्या है, ऑप्शन नंबर एक है रू, ऑप्शन नंबर टू है हेन, ऑप्शन नंबर थ्री है फिल्ली, ऑप्शन नंबर फोर है बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, बी। ड्रोन का फीमेल क्या है, बी। सवाल नंबर फोर है चूज द करेक्ट फीमेल ऑफ द वर्ड एबॉट। एबॉट का फीमेल क्या है, ऑप्शन नंबर एक है एक्ट्रेस, ऑप्शन नंबर टू है एबेस, ऑप्शन नंबर थ्री है एबोसा, ऑप्शन नंबर फोर है एबेसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, एबेस, एबेस, एबेस। सवाल नंबर फाइव है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सी जम्प्ड, खाली जगह द रिवर, ऑप्शन नंबर एक है ऑन, ऑप्शन नंबर टू है इन, ऑप्शन नंबर थ्री है इन टू, ऑप्शन नंबर फोर है टू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, इन टू। सी जम्प्ड इन टू द रिवर, यानी इन टू, कोई चीज़ अगर बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ पर इन टू का इस्तेमाल होता है, और जो चीज़ अंदर में ऑलरेडी रहता है उस वहाँ पर इन का इस्तेमाल होता है। तो सी जम्प्ड यानी वो बाहर से अंदर की तरफ यानी दरिया में गई है, तो सी जम्प्ड इन टू द रिवर, याद रहे। सवाल नंबर सिक्स है फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही कंप्लेन्स, खाली जगह हेडेक, ऑप्शन नंबर एक है ऑफ, ऑप्शन नंबर टू है ऑफ, ऑप्शन नंबर थ्री है फ्रॉम, ऑप्शन नंबर फोर है अबाउट। तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऑफ, ही कंप्लेन्स ऑफ हेडेक। सवाल नंबर सेवन है फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द जग इज फुल, खाली जगह मिल्क, ऑप्शन नंबर एक है ऑफ, ऑप्शन नंबर टू है इन, ऑप्शन नंबर थ्री है विद, ऑप्शन नंबर फोर है अपन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सी, द जग इज फुल ऑफ मिल्क। सवाल नंबर एट है फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। शाम वॉज एक्यूज्ड, खाली जगह मर्डर, ऑप्शन नंबर एक है ऑफ, ऑप्शन नंबर टू है टू, ऑप्शन नंबर थ्री है विद, ऑप्शन नंबर फोर है ऑन। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सी वाज एक्यूज ऑफ मर्डर, मतलब उस पर मर्डर का इल्ज़ाम लगाया गया। सवाल नंबर नाइन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेज ऑफ द फोर रिस्पॉन्सेज। ऑप्शन नंबर एक है रिसेंबल, ऑप्शन नंबर टू है इजी, ऑप्शन नंबर थ्री है इम्पॉसिबल, ऑप्शन नंबर फोर है द एंड। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है नामुमकिन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, इम्पॉसिबल। सवाल नंबर नाइन है आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है रिसेंबल, ऑप्शन नंबर टू है इजी, आउट ऑफ द क्वेश्चन के मतलब होता है नामुमकिन, मुश्किल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, इम्पॉसिबल। सवाल नंबर टेन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑफ द फोर रिस्पॉन्सेस। ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है झगड़े की वजह। तो ऑप्शन नंबर एक है बोन ऑफ ए लायन, ऑप्शन नंबर टू है ए रीजन फॉर डिस्कॉर्ड, ऑप्शन नंबर थ्री है काउज ऑफ फ्रेंडशिप, ऑप्शन नंबर फोर है कंटिन्यू टू बेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, ए रीजन फॉर डिस्कॉर्ड।
सवाल नंबर 11 है, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। द स्टोरी हैज ए, ऑप्शन नंबर एक है मोराले, ऑप्शन नंबर टू है मोरल, ऑप्शन नंबर थ्री है मैनुअल, ऑप्शन नंबर फोर है मेमोरियल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, मोरल। मोरल का मतलब अखलाक, मोरल लेसन। द स्टोरी हैज ए मोरल लेसन। सवाल नंबर 12 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। एरोजेंस का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक है एरोजेंस के मतलब होता है गुस्ताखी, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक है हॉटीनेस, ऑप्शन नंबर टू है मॉडेस्ट, ऑप्शन नंबर थ्री है सर्विलिटी, ऑप्शन नंबर फोर है एकॉर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, हॉटीनेस। एरोजेंस का क्या होता है? इसका एंटोनिम होगा एरोजेंस का मॉडेस्टी, लेकिन यहाँ पर सिनोनिम पूछा है तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? हॉटीनेस। एंटोनिम होगा मॉडेस्टी और सिनोनिम होगा हॉटीनेस। सवाल नंबर 13 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक है स्ट्राइव, ऑप्शन नंबर टू है सर्व, ऑप्शन नंबर थ्री है जेन्युइन, ऑप्शन नंबर फोर है स्प्यूरियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, जेन्युइन। ऑथेंटिक के क्या हो जाएगा? जेन्युइन या रियलिटी। सवाल नंबर 14 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड बिजार। यहाँ पर बिजार, बिजार का स्पेलिंग होगा बी आई जेड ए डबल आर ई, बिजार डबल आर ई, बिजार। बिजार के मतलब होता है, बिजार के मतलब हो जाता है आपका यहाँ पर अजीब, तो यहाँ पर हो जाएगा अजीब। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नॉर्मल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? नॉर्मल। इसका एंटोनिम अगर पूछ दे तो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा क्यूरियस। सवाल नंबर 15 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड जेनिथ। जेनिथ का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक है नादिर, ऑप्शन नंबर टू है मिनिमम, ऑप्शन नंबर थ्री है पिक, ऑप्शन नंबर फोर है प्लांट। जेनिथ का मतलब होता है नोकताए उरूज, तो इसका सिनोनिम पूछा है तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? पिक माने ऊंचा। जेनिथ का क्या हो जाएगा? अगर इसका एंटोनिम पूछता तो नादिर होता, लेकिन पीक या टॉप। इसका सिनोनिम पूछा है तो पीक होगा या टॉप होगा इसका सिनोनिम। अगर एंटोनिम पूछे तो नादिर हो जाएगा, और जो पस्ती जिसको बोलते हैं पस्ती, नादिर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड जेनिथ। जेनिथ का एंटोनिम पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक नादिर, ऑप्शन नंबर टू है मिनिमम, ऑप्शन नंबर थ्री है पीक, ऑप्शन नंबर फोर है प्लांट। तो यहाँ एंटोनिम हो जाएगा नादिर। सवाल नंबर 17 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक है स्किलफुल, ऑप्शन नंबर टू है स्मूथ, ऑप्शन नंबर थ्री है पेनाल्टी, ऑप्शन नंबर फोर है फेम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, स्किलफुल। ऑकवर्ड का मतलब होता है बदसलीका। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? बदसलीका। तो स्किलफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगर एंटोनिम नहीं हुआ, अगर सिनोनिम पूछता तो हो जाता, इसका सिनोनिम हो जाएगा अनस्किलफुल। सवाल नंबर 18 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एजिल। एजिल का एंटोनिम पूछा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक है स्लो, ऑप्शन नंबर टू है फीवल, ऑप्शन नंबर थ्री है स्विफ्ट, ऑप्शन नंबर फोर है हार्ड। एजिल के मतलब होता है चुस्त, चालाक। तो स्विफ्ट मने में होता है, अगर एजिल का यहाँ पर देखो सिनोनिम पूछता तो स्विफ्ट हो जाता, तेज। तो यहाँ पर स्लो हो जाएगा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्लो मने आहिस्ता। सवाल नंबर 19 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें से चार वर्ड्स दिए गए, इसमें सबसे करेक्ट स्पेल्ट बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें करेक्ट स्पेल्ट किसका है? एब्रीविएशन ए डबल बी आर ई वी आई ए टी आई ओ एन, ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। सवाल नंबर 20 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, अप्रोप्रिएट जो है ये सही है, APPROPRIATE अप्रोप्रिएट ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। सवाल नंबर 21 है, चूज द मिस स्पेल्ट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मिस स्पेल्ट बताना है यानी गलत रॉन्ग स्पेल्ट बताना है, तो इसका रॉन्ग स्पेल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, जुबली जो है ये गलत है, यहाँ पर JUBELY होना चाहिए, जुबली यहाँ पर डबल ई दे दिया है। सवाल नंबर 22 है, चूज द मिस स्पेल्ट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसमें मिस स्पेल्ट क्या होगा, नॉलेजेबल है, किंडरगार्टन है, नाइट है, आइडियोलॉज है, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर आइडियोलॉजी हो जाएगा, यहाँ पर वाई होना चाहिए आइडियोलॉजी। सवाल नंबर 23 है, चूज द करेक्ट वर्ड डिनोटिंग होम्स एंड प्लेस ऑफ पर्सन एंड एनिमल्स फ्रॉम द रिस्पॉन्सेस, यानी ऐसे जहाँ पे शख्स या जानवर जिस जगह पे रहते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, जैसे ए कन्विक्ट, कन्विक्ट का बताते हैं कैदी, लिव्स इन ए कहाँ रहता है, शॉप ऑप्शन नंबर एक है शॉप, ऑप्शन नंबर टू है ओपन प्लेस, ऑप्शन नंबर थ्री है प्रिजन, ऑप्शन नंबर थ्री है फोर है होटल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, जेल में रहता है इसलिए उसको प्रिजन कहते हैं, कैदी कहाँ रहते हैं जेल में, कैद खाने में। सवाल नंबर 24 है, चूज द करेक्ट वर्ड्स ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द रिस्पॉन्स, यानी जो कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं उनका बेबी का नाम बताया है, जैसे बियर के बेबी का नाम क्या होता है, ऑप्शन नंबर एक है काफ, ऑप्शन नंबर टू है चिकन, ऑप्शन नंबर थ्री है कब, ऑप्शन नंबर फोर है कोट, बियर में होता है भालू, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री कब, बियर फॉक्स और लायन टाइगर इन सब के बेबी को क्या कहते हैं, कब कहते हैं। सवाल नंबर 25 है, डियर के बेबी को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर एक है कब, ऑप्शन नंबर टू है काफ, ऑप्शन नंबर थ्री है पप, ऑप्शन नंबर फोर है फॉन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर फॉन, डियर के बेबी को क्या कहते हैं, फॉन कहते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगे, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त तौफीक अंसारी को अल्लाह।